ding ding. तुम सबको शायद पता नहीं, लेकिन आज से कई साल पहले स्कूल में रात में 5 अजीब अजीब चीजें हो चुकी हैं। 5 अजीब चीजें? हाँ, सबसे पहली क्लासरूम के बाहर जो सीढ़ियां हैं उनमें से एक सीढ़ी अपने आप बढ़ गई। दूसरी, म्यूजिक रूम का पियानो अचानक अपने आप बजने लगा। तीसरी, ये कॉरिडोर जहाँ खत्म होता है उसके आगे अपने आप रास्ता बन गया। चौथी, लेबोरेटरी में रखा स्केलेटन अचानक अपने आप डांस करने लगा। और पांचवी और आखिरी, जिन बच्चों को हमेशा कॉरिडोर में खड़े होने की पनिशमेंट मिलती है वो अचानक मोमबत्ती बनकर इधर उधर मंडराने लगे। आप सब डर गए ना? डरना भी चाहिए, बल्कि आप सबको बताते हुए मेरे भी पसीने छूटने लगे हैं। क्या हुआ, आप लोगों ने कोई भूत देखा क्या? आप लोगों के चिल्लाने से ये घंटी नीचे गिर गई थी। कोई बात नहीं, आप लोगों की क्लास खत्म हो चुकी है। क्या हुआ सर? अब क्या होगा? हाँ तो बच्चों, मैं कह रहा था कि आपको डराने वाली बातें नहीं करनी चाहिए, डर जैसा कुछ भी नहीं होता है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। उस पेपर पर अपने पेरेंट्स के साइन करवाना मत भूलना जो मैंने आप सबको दिया है। चलो चलो, मिल गया पेपर। आखिर इस समय कॉरिडोर की लाइट अचानक कैसे बंद हो गई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ, क्या बात है केनिची? बात यह है कि मुझे जोर की लगी है। अच्छा, तो ये बात है? हाँ। क्या तुम मेरे साथ टॉयलेट के अंदर चलोगे? लेकिन मुझे भी टॉयलेट नहीं जाना है केनिची। मैं चलूंगा। मैं तो अभी अभी हल्का होकर आया हूँ, लेकिन फिर भी एक बार हल्का होकर आता हूँ। हाँ, ताकि बाद में अकेले ना जाना पड़े। चलो हम साथ साथ चलते हैं। चलो केनिची। ये लोग भी ना, डिंग डिंग डिंग। अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम सब इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैंने फेस पैक लगाया था बच्चों। मैं किसी से नहीं डरता। क्या तुम्हें वो पेपर मिल गया? शुक्र है जो युमिको की मम्मी ने मुझे फोन करके उस पेपर के बारे में बता दिया। अब जल्दी से ढूंढो। मुझे लगता है मैं उसे स्कूल में ही छोड़ आया हूँ, अभी जाकर ले आता हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी। आया ना वो पहाड़ के नीचे। ये सीढ़ियाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। लेकिन पहले तो ये सीढ़ियाँ सिर्फ 9 ही हुआ करती थी। निकल गई हवा। म्यूजिक रूम उस तरफ है। भाई वाह, बहुत अच्छे कियो, इन्हें मजा चखाते रहो। अगर तुम यहाँ से मुड़ोगे तो आगे रास्ता खत्म हो जाएगा। शिशी माने तुम आगे जाओ। रात में मेरी आंखों की बत्ती गुल हो जाती है, इसलिए मैं अंधेरे में नहीं जाऊंगा। तुम एक निंजा डॉगी हो, फिर तुम्हें ऐसी फालतू की बीमारी कैसे हो सकती है? ना, मैं तो खुद ही चले जाऊँ ना। चलो सब साथ में चलते हैं। चलो। क्या हो रहा है? तुम देख के बताओ शिशी मानू। डर के मारे मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। चलो फिर सब साथ में अपनी आंखें खोलते हैं। खोलो। बॉस, उन लोगों को डराने में मजा आ रहा है। अब लेबोरेटरी में जाना होगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज मुझे भी आ रही है। क्यों, तुम वहाँ पर कब गए? तुमने मेरे बताने के पहले ही काम कर दिया। बॉस, मैं तो आपके पापा पास ही खड़ा हूँ। ओए, तो क्या इसका मतलब है कि वो? डिंग, मेरा शक बिल्कुल सही था, ये अमारा का ही काम था। दोस्तों, क्या तुमने सुना, किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है? भी सुनी। अरे बाबा, उसकी चिंता छोड़ो और जल्दी से यहाँ से पतली गली पकड़ कर निकल लेते हैं। हमारा तुम वहाँ देखो। डिंग, ये तो मैं हूँ दोस्तों। धोखेबाज कहीं के, तुमने ये ठीक नहीं किया।
फिर क्या करते? मुझे माफ कर दो दोस्तों। वो क्या है? तुम नहीं सुधरोगे ना हमारा, ये तुम्हारी ही कोई नई चाल है ना? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर ये क्या है? ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पहले सजा मिलती थी। भूतिया कैंडल्स को दूर करने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। ये कौन था, किसने किया ये? ये बकरी जैसी भद्दी आवाज मैंने पहले कहीं सुनी है। शायद वो हमारे सर है। हथौड़ी, वो हमारे सर है। मैं अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख रहा था, बस ऐसे ही चक्कर मारने बाहर आ गया था। हमें माफ कर दीजिए, मैं शोर सुनकर देखने आया और तुमने मेरी ये हालत कर दी। मैं अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता हूँ, मैंने आपको कुछ और समझ लिया था। चली जाए। पर सर, आपने ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? क्योंकि शाल भी डाल गए थे। चुप रहो, खबरदार, तुम लोगों ने इस बारे में दोबारा कोई बात की तो। यहाँ तो टीचर ही डरपोक हैं, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? डिंग डिंग डिंग।